बहुत ही सुंदर और शांतिमय जंगल था। उस जंगल के सभी पक्षी आराम से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। किसी भी पक्षी को कोई कमी नहीं थी। सभी पक्षी आपस में मिलजुल कर रहते थे तथा एक दूसरे के सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते थे। एक दिन, कितना प्यारा है हमारा जंगल, सभी पक्षी कितने सुखी हैं यहाँ पर। हे भगवान, हमारी खुशियों को किसी की नजर न लगे। इतना कहकर टूनी चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है। ऐसे बहुत दिन बीत जाते हैं। एक दिन उस जंगल में एक भालू लकड़हारा आता है। उस भालू लकड़हारे का नाम बादल होता है। अरे वाह, ये जंगल तो बहुत सुंदर है। इस जंगल की लकड़ियों को काटने में बहुत मजा आने वाला है। लेकिन लकड़ी काटने से पहले चलो चल के पूरा जंगल घूम आता हूँ, फिर देखता हूँ कि कहाँ से काम शुरू करना है। इतना कहकर वह भालू लकड़हारा जंगल में घूमने के लिए निकल जाता है। सबसे पहले वह एक तोते से मिलता है। अरे ओ तोते, जरा रुकना। हाँ हाँ, बोलो क्या बात है। मैं भालू लकड़हारा हूँ, मेरा नाम बादल है। मैं इस जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए आया हूँ, लेकिन मैं इस जंगल के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। क्या तुम मुझे पूरा जंगल घुमा दोगे? अरे लकड़हारे भैया, एक तो तुम हमारे जंगल की लकड़ियाँ काटने आए हो और तुम चाहते हो कि लकड़ियाँ काटने में मैं तुम्हारी मदद करूँ। ना बाबा ना, इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगा। ये तो ठीक नहीं कर रहा है तोते, मुझसे दुश्मनी तुझे बहुत महंगी पड़ेगी। हाँ हाँ, देख लेंगे लकड़हारे भैया। इतना कहकर तोता वहाँ से उड़ जाता है। फिर वह भालू लकड़हारा कौवे के पास जाकर उससे जंगल घुमाने को बोलता है। कौवा उस भालू लकड़हारे की बात मान लेता है। कौवा सबसे पहले भालू लकड़हारे को उस पेड़ के पास ले जाता है जिस पेड़ पर टूनी चिड़िया का घोंसला बना होता है। अरे ओ लकड़हारे भैया, ये पेड़ इस जंगल का सबसे खूबसूरत पेड़ है। मैं चाहता हूँ कि आप सबसे पहले यही पेड़ से काटना शुरू करें। ठीक है कौवे, मैं फिर यहीं से लकड़ी काटना शुरू करता हूँ। फिर वह भालू लकड़हारा अपनी आरी निकालता है और पेड़ काटना शुरू करता है। टूनी चिड़िया उस समय अपने घोंसले में आराम से सो रही होती है, लेकिन पेड़ के कटने से उसकी नींद खुल जाती है। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? मेरा घोंसला इतना हिल क्यों रहा है? तब वह उस भालू को देखती है जो पेड़ को काटे ही जा रहा होता है। अरे अरे लकड़हारे भैया, इस पेड़ को मत काटिए, इस पेड़ पर मेरा घोंसला है, आप कृपया करके इस पेड़ को मत काटिए। अरे चुप हो जा चिड़िया, नहीं तो इस पेड़ के साथ साथ तुझे भी काट दूंगा। ये आप ठीक नहीं कर रहे हो लकड़हारे भैया, अगर आप ऐसे ही सारे जंगल के पेड़ों को काट दोगे तो हम पक्षियों का क्या होगा? तुम्हारा कुछ भी हो, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। इतना सुनकर टूनी चिड़िया बहुत दुखी होती है। उसके देखते ही देखते वह भालू लकड़हारा उस पेड़ को काट देता है। पेड़ के साथ टूनी चिड़िया का घोंसला भी जमीन पर गिरकर टूट जाता है। ये सब देखकर टूनी चिड़िया रोती हुई उस जंगल के राजा मिट्ठू महाराज के पास जाती है। क्या हुआ टूनी चिड़िया, तुम क्यों रो रही हो? टूनी चिड़िया रोते रोते मिट्ठू महाराज को सारी बात बताती है। अभी वे दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तब तक वहाँ एक बुलबुल आ जाती है। मिट्ठू महाराज, हमारे जंगल को उस भालू लकड़हारे से बचाइए, नहीं तो वे हमारे जंगल के सभी पेड़ों को काटकर हमारे इस प्यारे से जंगल को वीरान बना देगा। क्या हुआ बुलबुल बहन, क्या उस भालू लकड़हारे ने आपके भी घोंसले वाले पेड़ को काट दिया है? हाँ टूनी चिड़िया, उस भालू लकड़हारे ने मेरा भी घोंसला तोड़ दिया है, मेरे सारे अंडे भी फूट गए हैं। कुछ ही देर में वहाँ जंगल के सभी पक्षी आ जाते हैं और मिट्ठू महाराज के पास उस भालू लकड़हारे की शिकायत करने लगते हैं। ये बात सुनकर मिट्ठू महाराज बहुत दुखी होते हैं। फिर कुछ देर बाद मिट्ठू महाराज सभी पक्षियों के साथ मिलकर एक योजना बनाते हैं, लेकिन कौवा सारे पक्षियों की योजनाओं को जाकर भालू लकड़हारे को बता देता है। अरे ओ लकड़हारे भैया, सावधान हो जाओ, जंगल के सभी पक्षी तुम्हें इस जंगल से निकालने की योजना बना रहे हैं। लेकिन कौवे, तुझे ये सब कैसे पता है? मैं अभी मिट्ठू महाराज के यहाँ से आ रहा हूँ।
वहाँ सभी पक्षी मिलकर तुम्हें इस जंगल से निकालने की योजना बना रहे हैं। ठीक है, आने दो उन्हें, मैं उन्हें देख लूँगा। अगले दिन जब भालू एक पेड़ को काट रहा होता है, तभी वहाँ सभी पक्षी और मिट्ठू महाराज आ जाते हैं। दुष्ट भालू लकड़हारे, हमारे जंगल को छोड़कर चला जा, नहीं तो ठीक नहीं होगा। अब तो मैं इस जंगल के सभी पेड़ों को काट कर ही यहाँ से जाऊँगा और तुम पक्षी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। भालू लकड़हारे, ये जंगल हमारा घर है और इस घर को तोड़कर तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे हो। मैं एक भालू हूँ और तुम जैसी मामूली चिड़िया मेरा कुछ नहीं कर सकती। अब चलो जाओ यहाँ से और मुझे मेरा काम करने दो। अभी बताती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। इतना कहकर वह टूनी चिड़िया उस भालू लकड़हारे पर हमला कर देती है और उसे अपनी चोंच से घायल करने लगती है। लेकिन वो भालू बहुत ताकतवर होता है। वह उस टूनी चिड़िया को अपने हाथों में पकड़ लेता है और उसे अपनी नाखूनों से नोचने लगता है। टूनी चिड़िया कैसे भी करके उसके हाथों से खुद को छुड़ाती है और उड़ जाती है। उसके साथ ही बाकी पक्षी भी उड़ जाते हैं। अरे जाओ जाओ पक्षियों, तुम लोग मेरा मुकाबला नहीं कर सकते हो। अब तो मैं जल्दी से इस जंगल की सारी लकड़ियों को काट दूंगा। एक दिन वह भालू लकड़हारा कौए के घोंसले वाले पेड़ को काटने के लिए जाता है। अरे वाह, ये पेड़ तो बहुत अच्छा है, इसे बेचकर मुझे ढेरों पैसे मिलेंगे। चलो आज इसी पेड़ को काटता हूँ। अरे अरे लकड़हारे भैया, ये क्या कर रहे हो? इस पेड़ के ऊपर मेरा घोंसला है, अगर आप इस पेड़ को काट दोगे तो मेरा घोंसला टूट जाएगा। आप कृपया इस पेड़ को मत काटिए। अरे कौवे, तुम किसी और पेड़ पर घोंसला बना लेना, ये पेड़ मुझे बहुत पसंद है और आज मैं इस पेड़ को जरूर काटूंगा। और कौवे के देखते ही देखते वह भालू लकड़हारा उस पेड़ को काट देता है। कौवे का घोंसला भी नीचे गिरकर टूट फूट जाता है। अपने टूटे हुए घोंसले को देख कौवा बहुत दुखी होता है। वह अब मिट्ठू महाराज के पास जाता है। मिट्ठू महाराज, मेरी मदद कीजिए, उस दुष्ट भालू ने आज मेरे घोंसले वाले पेड़ को भी काट दिया है। क्यों कौवे भैया, अब पता चला कि दुष्ट लोगों से दोस्ती करने का क्या नतीजा होता है? मुझे माफ कर दो टूनी चिड़िया, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। अरे नहीं नहीं कौवे भैया, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, इससे हम सभी पक्षी बहुत खुश हैं। अब हम सभी लोग एक साथ हैं और अब कोई भी भालू लकड़हारा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। उस दिन टूनी चिड़िया अकेले पड़ गई थी, लेकिन अब हम सब एक साथ उस भालू लकड़हारे पर वार करेंगे। फिर जंगल के सभी पक्षी मिलकर एक बार फिर से उस भालू लकड़हारे को जंगल से निकालने की योजना बनाते हैं। एक दिन जब भालू लकड़हारा लकड़ियां काटकर थक जाता है, तो वह एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगता है। आराम करते करते उसकी आंख लग जाती है। तो चलो मेरे पक्षी साथियों, इस भालू को सबक सिखाने का समय आ गया है। फिर सभी पक्षी मिलकर उस भालू लकड़हारे को एक मोटी रस्सी से उसी पेड़ से बांध देते हैं। कुछ देर बाद जब उस भालू लकड़हारे को होश आता है, तो वह अपने आप को बंधा हुआ देखता है। ये किसने किया मेरे साथ? मुझे यहाँ किसने बांधा है? ये हमने किया है दुष्ट लकड़हारे, चलो पक्षियों आक्रमण करो। टूनी चिड़िया के इतना कहते ही सभी पक्षी उस भालू लकड़हारे पर टूट पड़ते हैं और उसे अपनी चोंच से घायल करने लगते हैं। जब भालू लकड़हारा अदबरा सा होने लगता है, तब वे उसे छोड़ देते हैं और उसकी रस्सी भी खोल देते हैं। लकड़हारे भैया, आपने हमारा घर तोड़ दिया है, लेकिन हम फिर भी आपको छोड़ रहे हैं। अब आप इस जंगल से चले जाइए, नहीं तो हम पक्षी आपको जीवित नहीं छोड़ेंगे। भालू लकड़हारा डर के मारे उस जंगल को छोड़कर चला जाता है। सभी पक्षी फिर खुशी खुशी रहने लगते हैं। Thanks for watching. This is the first episode. If you liked it, maybe subscribe. And if you didn't like it, why did you watch to the end?